Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज हम अभी से पहले हम 17वां और 18वां दाखला सीखते हैं 18वां दाखला सीखते थे अभी हम 19वां दाखला सीखने वाले हैं 19वां दाखला बिल्कुल 18वां दाखले जैसा ही है थोड़ी थोड़े हवाले इधर उधर है थोड़े हवाले अलग है बाकी दाखला 19वां दाखला जैसा ही है तो अब हम ये दाखला स्टार्ट करेंगे 80 અને n चार चार एग्जाम इतना प्रमाणमा नफा नुकसान वेचता भागीदारो छे 31 3 2017 ના રોજ પેઢીનું પાકું સર્વે નીચે મુજબ હતું પૂંજી ખાતા દિયા હુઆ હૈ સામાન્ય અનામતી હુઈ રહેણદાર દેવી હુંડી જમીન મકાન ફર્નિચર મોટરકાર દેવાદાર સ્ટોક એમ ને લોન અભી યહાં પર એમ કી જો લોન હૈ વો ઉધાર બાકી બતા રહી હૈ યાની હમને ઉસકો કર્જ દિયા હુઆ હોગા જમા બાકી હોતી તો ઉસકા હમારે પે કર્જ હોતા ઓર નકદ 1/7/2017 ના રોજ એમ નું મૃત્યુ થયું ભાગીદારી કરારનામા ને ભાગીદારો નક્કી કર્યા મુજબ એમ એમ કા હિસ્સા કેટલા હૈ 1 કે તકસીમ મે 6 જમીન મકાન અને ફર્નિચરની કિંમત 10% થી વધારવી સ્ટોકની પડતર કિંમત 5500 છે જે ચોપડે લાવી સ્ટોક કી પડતર કિંમત 5500 યાની 500 કી ઘટ 6000 દી હુઈ હૈ દેવાદારો પૈકી 400 ભાગ ગાડી વાળવા પાકડીની કિંમત 7200 નક્કી થઈ એમ ને મૃત્યુની તારીખ સુધીના નફામાં વેચાણ અને નફાના આધારે ભાગ આપવો ગયા વર્ષનું વેચાણ 8 લાખ હતું ચાલુ વર્ષ દરમિયાન પ્રથમ 3 માસનું વેચાણ 4 લાખ હતું ગયા વર્ષનો નફો 2,40,000 હતું એમના વહીવટકર્તાને 1,850 રૂપડા ચૂકવવા અને બાકીની રકમ 2 સરખા વાર્ષિક હપ્તામાં વાર્ષિક 12% વ્યાજ સહિત ચૂકવવી હવે યહાં પર હમકો નફા ઢૂંઢના હૈ નફા ઢૂંઢને કા ઝાબતા મેં યહાં પર લિખ દેતી હું એમ ના મૃત્યુ સુધીના નફામાં ભાગ યહાં પર એમ ને મૃત્યુની તારીખ સુધીના નફામાં વેચાણ અને નફાના આધારે ભાગ આપવો નફે કે ભાગ કા જાપતા હૈ મૃત્યુ સુધી વેચાણ આપો કે તકસીમ મેં ગત વર્ષનું વેચાણ ગુણ્યા એમનો ભાગ मृत्यु सुधी का वेचाण कितना दिया हुआ है 4 लाख मृत्यु का वेचाण मृत्यु तक का वेचाण दिया हुआ है 4 लाख नफा सॉरी हाँ नफा दिया हुआ है 2,40,000 गया वर्ष का वेचाण दिया हुआ है 8 लाख और नफे में इसका हिस्सा कितना है 1/6 6 2 12 तो इसका कितना आएगा 20,000 का इसका मुनाफा आएगा यहाँ पर 20,000 इसका मुनाफा आएगा ये गिनती आपको सीखनी जरूरी है हिसाब आपको सीखना जरूरी है इस तरह का यहाँ पर नफा निकलेगा अब आगे इतना हो गया अब हम एंट्री करते जाएं आगे और हफ्ते में चुकाना बाकी है उसके बाद अच्छा यहाँ पर इसका हिस्सा कितना दिया हुआ है 1/6 और कितने महीने का हमको हर चीज़ कितने महीने की गिननी है 31 दिन को 7 खत्म होता है 4, 5, 6 हर चीज़ 3 महीने की गिननी है 7वें महीने की पहली तारीख को इसकी डेट हो गई थी तो अब हमको हर चीज़ 3 महीने की गिननी है अब यहाँ पर हम पहले पागड़ी की कीमत भी निकालेंगे पागड़ी दी हुई है 7,200 में इसका हिस्सा कितना है 1/6 में 6 पाँचवा मुहूर्त इसको पैसे देने हैं 1,200 रुपये नया नफा नुकसान का प्रमाण नहीं दिया हुआ तो जूने नफा नुकसान के प्रमाण से ही हम तकसीम कर देंगे 1,200 में से 1 देगा पार्टनर का नाम है ए और टी तो 1,200 में से 1 पार्टनर देगा 4/6 में 6 इनका नफा नुकसान का प्रमाण है 4 जन 1 जन 1 एक ये देगा और एक ये देगा इसको देगा है तो 6 2 12 यहाँ पर आएगा 800 और यहाँ पर दूसरा हिस्सा 1/6 में 6 2 12 यानी यहाँ पर आएगा 4 2 8 800 और यहाँ पर आएगा 200 1,200 मिलना चाहिए
के तकसीम में छः, एक का हिस्सा आएगा 545, चार की तकसीम में छः, तो यहाँ पर इसका हिस्सा निकलेगा 1400 जर पाँच दो दस और पाँच चौक बीस, चौबीस चौक छन्नू, 960, पाँच दो दस, पाँच चौक बीस, चौबीस एक चौबीस, 240, एक देगा 960 और दूसरा देगा पागड़ी 240। अब कुंजी की एंट्री बाकी आगे लाए, 1/7/2017 के लिए 16 है, 1/7/2017 के रोज का इसका हिसाब किताब बाकी आगे लाए, बाकी इसकी दी हुई है एंट्री 9000 रुपये। उसके बाद सामान्य अनामत 1/7/17 को सामान्य अनामत की बाकी, सामान्य अनामत में इसका एक के तकसीम में छः हिस्सा, सामान्य अनामत 3000 दी हुई है, 3000 एक के तकसीम में छः, छः पचास 30 यानी इसका हिस्सा आएगा 500 रुपये। अब इसके बाद लैंडर और देवी हुंडी तकसीम नहीं होगी, जमीन मकान फर्नीचर मोटर कार देवादार स्टॉक एम की लोन, एम की लोन को हम उसकी उधार वालों पर एंट्री करेंगे, एम की लोन टोटल दी हुई है 9000 रुपये, 1/7/17 के रोज एम के लोन खाते 9000। आगे अब हवाले की तरफ बढ़ेंगे, जमीन मकान और फर्नीचर की कीमत 10% बता रही, जमीन मकान की कीमत 1200 रुपये बढ़ेगी और फर्नीचर की कीमत 600 रुपये बढ़ेगी, और ईजा का हम जमा बाजू पर लिखेंगे, जमीन मकान 1200 का इजाफा और फर्नीचर का 600 का इजाफा। देवादार स्टॉक की कीमत 5500, स्टॉक की कीमत दाखिले में पाका सर्वैया में दी हुई है 6000, स्टॉक में घटाना कमी हुई है कितने की 500 रुपये की, अब 5000 पे से 5500 हो गए, इसका मतलब 500 रुपये की कमी। देवादारों पैकी 400 घर खाता मांडी वाड़ा गालखात हमारा डूबा हुआ कर्ज जिसकी हम उधार खाकी मिलते थे, तो ये 400 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद और कोई हवाला है, पागड़ी, पागड़ी की एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे 1/7/17 के रोज, 1/7/17 के रोज एक पागड़ी देगा ए, लेना हो दिखाते और दूसरा पागड़ी देगा टी, टी नाम होनी खाते 960 और 240 हो गया। अभी यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे, नफे में हिस्सा, एम को नफे में कितना हिस्सा मिलेगा जो हमने पहले से निकाल लिया है, नफा नुकसान उपलब्ध खाते नफे में हिस्सा कितना है, इसका हिस्सा 20000 के नफे में हिस्सा है, 1000 एम ना वहीवट करता ने 1850 रोकड़ा चुकवी आपका, एम के वहीवट करता को 1850 नकद में चुकाना है, 1/7/17 को नकद में उसको 1850 रुपये चुकाना है। अब सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, नफा नुकसान का, नफा पुनः मूल्यांकन का, नफा या नुकसान निकालना है, 800 रुपये का मुनाफा आएगा जिसको हमको पार्टनर्स के बीच में बांटना है, तो 800 रुपये में से सर्वे हिस्से करेंगे, ओ सॉरी चार्जिंग एजेंट एक के हिसाब से हिस्से करेंगे, 6 × 6 तो इनका मुनाफा आएगा 600, 150 और 150, 6, 7, 8, 9, 1200, 1600, 1800, 1850, 1800 यहाँ पर हिस्सा आएगा 9, यहाँ पर आएगा 9, 6 × 6, 6×4, 20, 15×4, 60, 600 ए टी और एम 150 और 150। अब हमको यहाँ पर इसका नफा लिखना है, 1/7/17 पूरा मूल्यांकन खाते का नफा लेके आएंगे, इसका हिस्सा कितना है 150 रुपये। अब हम यहाँ पर बाकी निकालेंगे, देखो हमारा यहाँ पर पूरा मूल्यांकन का खाता भी बंद हो गया है, अब हमारा पाका वहीवट करता
खाता, पूंजी खाते में पहली एंट्री 9000, उसके बाद है सामान्य अनामत 500 150, उसके बाद 960, पागड़ी की कीमत 240 है, 20000 नफा नुकसान का, उपलब्ध खाते का नफा और बाकी का 1850 उसको फौरन चुका देना है। 1850 फौरन चुका देंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर, एक साथ 17 के रूल्स वहीवटकर्ता खाते एम ना वहीवटकर्ता खाते, हमको इसके खाते में कितने रुपये लेके जाने हैं, 20000। बाकी की सारी अमाउंट हमने 1850 की अमाउंट हमने चुका दी। अब यहाँ पर 1718 के रूल्स पूंजी खाते से लेके आए एम ना मही खाते 20000। तो हमको यहाँ पर रकम में क्या दिया हुआ है, एम ना मूड़ी खाता में एम ना वहीवट करता है 1850 रुपया चुका हुआ है, बाकी की रकम भी सरकार वार्षिक हफ्ता में 12% ब्याज सही चुका हुई। अब यहाँ पर हमको जो अमाउंट चुकानी है वो 12% सूद के हिसाब से चुकानी है, हमको यहाँ पर उसको 12% सूद के हिसाब से रकम चुकानी है। तो अब मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने इससे पहले भी ये दाखिला आपको कराया है। 20000 के रुपये 12% की सूद, सबसे पहले यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 टोटल 9 महीने हो रहे हैं। तो यहाँ पर ब्याज कितना आएगा, 31, 3, 17 के रोज ब्याज आएगा यहाँ पर 1800 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर 31, 3, 18 के रोज बाकी आएगी 21800। अब नेक्स्ट टाइम 1418 यहाँ पर वापस से दूसरे दिन बाकी आगे लाए 21800। अब और 3 महीने का सूद गिनेंगे, 9 महीने का हमने पहले गिन लिया था 1, 7, 17 के रोज, और 3 महीने का सूद गिनेंगे, जब 9 महीने का 1800 है तो 3 महीने का जाहिर सी बात है 600 रुपये होगा। ये 600 रुपये सूट टोटल मिलाकर 18, 19, 20 और 2400 रुपये सूट यहाँ पर चुका देंगे एक साथ में, 1717 के रोज नकद जाएगी इसके पास 20000 में से 10000 सर के हफ्ते देना है, 20000 में से 10000 और बाकी के 2400 रुपये पूरे साल का 12% के हिसाब से 20000 रुपये बाकी 2400 रुपये सूद यानी 12400 के अमाउंट हमको यहाँ पर चुका देंगे, हो गया। अभी और इसके बाद 31, 3, 17 के रोज फिर वापस सूद गिनना है। अब बचा कितना सूद, 10000 के ऊपर 12% सूद, फिर वापस 9 महीने। तो कितना सूद हुआ, 10000 के ऊपर 9 महीने का सूद 900 रुपये। तो हम यहाँ पर फिर वापस सूद गिनेंगे 900 रुपये और यहाँ पर खाता बंद करेंगे 1, 7 यहाँ पर हो जाएगा 19, 31, 3, 19 के रोज फिर वापस हम बाकी निकालेंगे दूसरे साल 3 महीने के बाद, फिर वापस बाकी निकालेंगे 10900 रुपये। तो हमारी बाकी कितने निकलेगी, 10900। यहाँ पर ये खाता उस साल का बंद। अब फिर वापस हम बाकी 1419 के रोज बाकी आगे लाए 10900 और वापस से हम 1719 के रोज ब्याज गिनेंगे 3 महीने का 300 रुपये और ये पूरी अमाउंट 1719 के रोज हम उसको नकद के खाते में करके
₹2900 का सूद ये 12400 हमने एक साल के बाद चुका दिया। अब कितना बचा? ₹10000 बचा। ये ₹10000 के ऊपर फिर वापस 9 महीने का सूद ₹900, ये ₹900 चुकाए हमने, ये ₹900 का सूद गिनकर बाकी हम यहां पर लेंगे ₹10900। अब फिर वापस से बाकी यहां पर लाए ₹10900, फिर वापस से 3 महीने का सूद गिना हमने ₹300, तो 10000 और 1200 टोटल 11200 आखिर में दूसरे साल के आखिर में हमने चुका दिया। इसकी गिनती कुछ इस तरह होगी। साइड पे आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन लगे इसलिए साइड पर आपको गिनती करके बताती हूं। 20000 9 मंथ का सूद इंटरेस्ट, 9 मंथ का इंटरेस्ट 1800, अमाउंट होगी 21800, फिर वापस 3 मंथ का इंटरेस्ट 600, अमाउंट होगी 21400, जिसमें से 10000 चुका देने हैं और यहाँ पर 2400 सूद भी चुका देने हैं। कितना चुकाया हमने? 12400 बचा। कितना हमारे पास? 10000। ये 10000 के ऊपर फिर वापस 9 महीने का इंटरेस्ट यानी ₹900, तो ये हो गया 10900। अब फिर वापस इसके ऊपर 3 मंथ का इंटरेस्ट, तो ये हो गया 300, टोटल हो गया 11200। ये हमने एक साथ में चुका दिए, 2 हफ्ते में ये सारी रकम सूद के साथ चुका दिए। ये चैप्टर हमारा खत्म। नेक्स्ट पीरियड में भागीदारी पेढ़ी का विसर्जन का चैप्टर हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।